हेलो बच्चों, हाय। होप आप लोग ठीक हो गए। तो चलिए हम 11th का फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर, हालांकि जो पहला चैप्टर है वो तो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, वो अपने आप पढ़ने के लिए होता है। उसमें वो निबंध विबंध टाइप के हैं कि फिजिक्स का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, ठीक है, साइंटिस्टों ने इस दुनिया को क्या दिया है, फिजिक्स ने इस दुनिया को क्या दिया है, ये तो वो अपने आप पढ़ने का है। हम जो सीधे सिलेबस चालू करेंगे वो सिलेबस है यूनिट एंड मेजरमेंट से। जो पहला चैप्टर है हमारा, जो यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू करता हूँ। फिजिक्स हमसे सबसे पहले कहती है कि आप रोबोटिक्स फिजिक्स बाद में पढ़ना, बुलेट ट्रेन बाद में पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाद में पढ़ना, समझ में आया, ये सब बाद में पढ़ना, पहले चीज़ों को मेज़र करना तो सीखो, पहले चीज़ों को प्रॉपर यूनिट के साथ मेज़र करना तो सीखो, नापना तो सीखो, तोलना तो सीखो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी पहले चीज़ों को मेज़र करना सीखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो है फिजिकल क्वांटिटी। पहली डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है इसकी, सुनिए। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनीथिंग विच कैन बी, सुनना आप बेटा, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला, एक बार फिर से बोल रहा हूं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अब मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। ये तो मैंने ऑफिशियल डेफिनेशन लिख दी, यदि यही सब पढ़ा, ये सब तो किताबों में भी मौजूद है, यदि यही सब पढ़ के समझ में आ जाता तो आप लोग अलग 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 चैनल क्यों मुंह मारते। तो चलिए देखो, यदि मैं बाजार में से सपोज करो सोन पपड़ी लेने गया, ब्रजवासी की दुकान पे पहुंचा और उसे कहा, यार तू ज़्यादा सी सोन पपड़ी दे दे मुझे, ओ बिड़ू तू ज़्यादा सी सोन पपड़ी दे दे मेरे को, तू मेरे को ज़्यादा सी सोन पपड़ी दे दे, तो आप बताइए क्या वो मुझे रेस्पॉन्ड करेगा, क्या वो मुझे सोन पपड़ी देगा, क्यों नहीं देगा, वो नहीं देगा, क्योंकि मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा सी सोन पपड़ी दे दे। अरे कोई ज़्यादा कोई मेजरमेंट थोड़ी नहीं होता। अब मैं उसके सामने इतना मोटा सा पर्स रख दूँ, ये देख तू मेरा वॉलेट, देख तू ATM कार्ड डेबिट कार्ड, सॉरी बेटा, ठीक है, ये सब ATM डेबिट कार्ड फलाना कार्ड ढिमका कार्ड, ठीक है, बीप बीप लगा देना बीच में, ठीक है, गैंग्स ऑफ फिजिक्स फोर बीच बीच में बीप लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो मैंने उसे वॉलेट दिखा दिया, भाई तू क्या मुझे हल्का समझ रहा है, तू मेरे पास देख पर्स कितना मोटा है, मेरे पास ATM कार्ड भी है, मेरे पास डेबिट कार्ड भी है, ले तू कहे तो चेकबुक निकालू, तू बस मुझे ज़्यादा सी सोन पपड़ी दे दे। तो सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, ज़्यादा सी सोन पपड़ी का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, ज़्यादा सी सोन पपड़ी का कोई मतलब ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा यदि मैं उससे कहूँ चल एक काम कर, तेरे पे ज़्यादा सी सोन पपड़ी नहीं है तो मुझे कम सोन पपड़ी दे दे, या थोड़ी सी सोन पपड़ी दे दे, ठीक है, तो थोड़ी सी सोन पपड़ी देगा वो, नहीं देगा सोन पपड़ी वो थोड़ी सी। हाँ तुम फटे पुराने कपड़े पहन के ले जाओ, हाथ में कटोरा लेके ले जाओ, दे दे सोन पपड़ी दे दे, तो बात अलग है बेटा, वो सिंपैथी के ब्याप पे वो दे दे, लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादा सी सोन पपड़ी दे दे, थोड़ी सी सोन पपड़ी दे दे, नहीं देगा। पता है क्या कमी आ रही है, हम उसे एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं बता रहे, हम उसे बता ही नहीं रहे कि तुम्हारे लिए आधी किलो सोन पपड़ी तोड़ ले, एक किलो सोन पपड़ी तोड़ ले, बता ही नहीं रहे, उसको मेजरमेंट दे ही नहीं रहे। तो आपने देखा, जब मेजरमेंट नहीं था तो सोन पपड़ी नहीं मिल रही तो फिजिक्स तो दूर की बात है ना, वो बंदा आपको सोन पपड़ी देने को तैयार नहीं था इन शब्दों से। तो ऐसे ही जब तक आप उसे मेजरमेंट नहीं दोगे, प्रॉपर वैल्यू नहीं दोगे, जब तक वो कंफ्यूज रहेगा, यार पता नहीं कितनी मांग रहे। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज करो एक सामने एक पत्थर पड़ा है,
है ना, मैं उसे उठाने गया, मेरी दम निकल गई। तो मैंने क्या बोला, यार ये भारी है यार, ये पत्थर तो बहुत भारी है, भारी है पत्थर। अब वहां पे खली भाई साहब आए, खली, उसने हाथ से उठा के वो जगलिंग करने लग गया। वो तो, अरे जो पत्थर मेरे लिए भारी है जरूरी थोड़ी नहीं है खली के लिए भी भारी हो। उसने कहा अरे चल बे, ये तो बहुत हल्का पत्थर था, ये तो बहुत हल्का पत्थर था। अब आप बताओ वो पत्थर भारी है या हल्का है, वो पत्थर भारी है या हल्का है। यानी वो पत्थर वही है, पत्थर तो वही है, लेकिन किसी को भारी महसूस हुआ, किसी को हल्का महसूस हुआ। कोई कह रहा है भारी है, कोई हल्का है। तो ज्यादा, कम, हल्का, भारी, ये फिजिक्स के वर्ड नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये शब्द। जैसे यहां सोन पपड़ी, जब तक आपने नहीं बताया कि आधे किलो सोन पपड़ी दे दे, जब तक वो कंफ्यूजन दूर हुआ ही नहीं। अब इसमें भी ये पत्थर हल्का है या भारी है, कन्फ्यूजन दूर होगा ही नहीं जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि वो 50 किलो का पत्थर था। वो 50 किलो का पत्थर था, यानी मेजरमेंट बताइए यदि कन्फ्यूजनों को दूर करना है तो। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज करो अजनबी आपका मथुरा में आता है, ठीक है, और मैं सपोज करो गोवर्धन चौराहे पर हूँ, है ना, आप अपने एरिया के हिसाब से फिट कर लेना एग्जांपल को, ठीक है। मैं खड़ा हुआ हूँ गोवर्धन चौराहे पे, एक अजनबी आता है मेरे सामने, एक ताऊ से पूछता है, अरे ताऊ जरा मुझे भूतेश्वर जाना है। अजनबी है वो, तो ताऊ से पूछ रहा है, चाचा टाइप थे, थोड़े बड़े बूढ़े टाइप के थे, कि अंकल वो मुझे भूतेश्वर जाना है, क्या कैसे जाऊँ, क्या टेम्पू है। तो ताऊ ना अपने हिसाब से जवाब देंगे, अरे बेटा दूल मत जाना, मतलब दूल है, बहुत दूर है भूतेश्वर, तो तू ऑटो कर ले, ऑटो कर ले, ऑटो लेगा 10-15 रुपये लेगा, तुझे वहाँ छोड़ देगा, है ना, क्योंकि ताऊ तो खुद की हालत नहीं टिक रही। तो वो क्या कह रहे हैं, भूतेश्वर दूर है, तू टेम्पू कर लियो 10-15 रुपये लेगा, भूतेश्वर दूर है। अब वही अजनबी किसी जवान, हैंडसम, गुड लुकिंग बंदे, एनर्जेटिक, एक्टिव बंदे से पूछता है, हाँ हाँ मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, किसी जवान आदमी से पूछता है यार कंफर्म करने के लिए, सपोज करो कि यार वो भूतेश्वर जाना है कितनी दूर है, तो वो क्या कहेगा, अबे पास में ही है, तू पैदल पैदल चलेगा 10 मिनट में पहुंच जाएगा, इतनी दूर के लिए क्या टेम्पू करना, पास में तो है। अब बताना हुआ क्या, फिर भसड़ हो गई। उसी डिस्टेंस को एक बंदा कह रहा है दूर है, और उसी डिस्टेंस को एक बंदा कह रहा है पास है, सारा पता ही नहीं है चल रहा कितने दूर कितने पास, पता ही नहीं चल रहा कितने दूर कितने पास। एक कह रहा है बेटा बहुत दूर है, एक कह रहा है अरे पास में पैदल पैदल पहुंच जाएगा। वो बंदा तो कंफ्यूज हो गया, यहाँ सोन पपड़ी में कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पत्थर में कंफ्यूजन हो गया, यहाँ डिस्टेंस में कंफ्यूजन। आप बताओ ये कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, दूर तब होगा जब आप उसको एक मेजर्ड वैल्यू बताते, ये बताते कि यार यहाँ से करीब 800 मीटर की दूरी पर भूतेश्वर है, 800 मीटर की दूरी पर। अब वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा कि मुझे पैदल चलना चाहिए, टेम्पू लेना चाहिए। तो सोचो बिना मेजरमेंट के जब प्रैक्टिकल जनरल लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो फिर भी फिजिक्स है। तो इसलिए फिजिक्स कह रही है पहले चीजों को मेजर करना सीखो। ये साला ज्यादा, कम, हल्का, भारी, दूर, पास, इन शब्दों से नफरत करती है फिजिक्स। आई हेट दीज वर्ड्स, फिजिक्स कहती है आई हेट दीज वर्ड्स, मुझे इन शब्दों से नफरत है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा लेकिन कुछ जगह है जहां ये चीजें ही इस्तेमाल होती हैं, जहां ये चीजें ही, यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा और कम। लेकिन थैंक गॉड जहां ये शब्द इस्तेमाल होते हैं वहां फिजिक्स अपना रास्ता बदल लेती है, वहां फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमने डिस्टेंस को बता दिया कि 800 मीटर की डिस्टेंस है, सोन पपड़ी बता दी, चल तू आधी किलो सोन पपड़ी तोल, चल ये पत्थर था 50 किलो का पत्थर था। लेकिन सपोज करो आपको भूख लग रही है और आप मम्मी के पास गए, मम्मी 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 मुझे भूख लग रही है, मम्मी खाना दो, मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है। वहां क्या बोल रहे हो आप कि मम्मी बहुत भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मम्मी खाना दो। वहां भूख ज्यादा ही बोल सकते हो, मम्मी कभी रिवर्स में ये नहीं पूछेंगी, चल तुझे भूख लग रही है ज्यादा, तो चलिए बता कै किलो भूख लग रही है, तुझे आधी किलो भूख लग रही है या 1 किलो भूख लग रही है, तुझे 250 ग्राम भूख लग रही है, 50 किलो भूख लग रही है। वहां ये कन्वर्सेशन नहीं चलता कि चल पहले ये बता कितने मीटर भूख लग रही है, कितने मीटर भूख लग रही है, 3 मीटर या 4 मीटर, कभी सुना है मम्मी से बात करते हुए। वहां बस बोलते हो कि बहुत भूख लग रही है। तो यानी ये जो भूख थी इसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये भूख ये मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैंने क्या लिखा है, एनी थिंग विच कैन बी मेजर्ड, आगे आऊंगा बताऊंगा मैं कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब है। हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिक्स में पढ़ सकते हो। तो भूख मेजर नहीं हो सकती तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। प्यार,
ठीक है, सोनम गुप्ता बेवफा है, प्यार प्यार, आप सपोज करो, ठीक है। चंपा से कहता है, हे चंपा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, चंपा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अब चंपा ये पूछ ले, ये बता तू मुझसे बहुत क्या लीटर प्यार करता है, बहुत छोड़ क्या लीटर प्यार करता है। वो पड़ोस वाला जो राजेश है वो यूँ कह रहा था, मैं तुझसे 15 लीटर प्यार करता हूँ। पड़ोस वाला जो राजेश है वो यूँ कह रहा था कि चंपा मैं तुझसे 15 लीटर प्यार करता हूँ, तू क्या लीटर प्यार करता है ये बता। अभी ये कन्वर्सेशन हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कि मैं तुझसे 15 लीटर प्यार करता हूँ, मैं तुझसे 36 डिग्री सेल्सियस प्यार करता हूँ, ठीक है ना, देख कितना हॉट प्यार है मेरा। तो यानी भूख प्यार मोहब्बत प्यास ये चीजें इमोशंस फिजिक्स में नहीं है, ये कम और ज्यादा में ही बताए जा सकते हैं, ये चीजें कम और ज्यादा में ही डिक्लेयर की जा सकती हैं। तो थैंक गॉड ये फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स इन जगह घुसती भी नहीं है, फिजिक्स केवल उसी जगह घुसेगी जहां मेजरमेंट दिया जा सकता हो। तो हर वो चीज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसका क्या मतलब है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताता हूं। देखिए कुछ चीजें डायरेक्टली मेजर हो जाती हैं, जैसे इस कमरे की लेंथ, इंची टेप लगाऊंगा और इंची टेप का एक एंड से दूसरे एंड में रीडिंग देख के बता दूंगा और मेजर हो गया कि इस कमरे की लेंथ 8 मीटर है। यदि किसी सर्किट में करंट मेजर करनी है सीधे एमीटर लगाऊंगा, एमीटर बता देगा इसमें इतनी करंट है, तो ये कहलाते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्टली मेजर कर लिए। लेकिन सपोज करो जैसे मैंने इंची टेप लगा के इस कमरे की लेंथ मेजर कर ली, क्या वो इंची टेप लगा के यहाँ से सन तक की डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ मैं, इंची टेप लगा लगा के दंडौती दे दे के यहाँ से मून तक की डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ या सन तक की, नहीं कर सकते ना, इंची टेप से तो नहीं कर सकते ना। पर हमारे सामान्य ज्ञान में ये लिखा रहता है या साइंस में कि यहाँ से मून तक की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से सन तक की डिस्टेंस इतनी है, तो ये सारा डिस्टेंस मेजर कैसे हुई, ये सारा डिस्टेंस मेजर कैसे हुई। ऑब्वियसली इंची टेप तो लगा नहीं होगा, यानी डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगा होगा ना, कोई इनडायरेक्ट ट्रिक अपनाई गई होगी। इनडायरेक्ट ट्रिक के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक दूसरी ट्रिक देता हूँ इस एग्जांपल से हटके। सपोज करो ये कोई टावर है, ये कोई टावर है ना, काफी बड़ी टावर है, बुर्ज खलीफा दिला दूं तुझे मैं, बुर्ज खलीफा, वही बुर्ज खलीफा। सपोज करो आपको इसकी हाइट मेजर करने का टास्क दिया, तो साला हमको स्पाइडरमैन थोड़ी नहीं है जो इस पे चढ़ के मेजर कर ले इंची टेप यूं। इंची टेप यूं तो लगा सकते हो आप लेंथ वाइज, लेकिन इतनी लंबी पे इंची टेप लगाना बड़ा टफ टास्क है। लेकिन देखिए आपको समझ में आ जाएगा, हमने 10th में इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, यदि मैं ये मेजर नहीं कर सकता, यहाँ इंची टेप नहीं लगा सकता, तो कुछ डिस्टेंस ऐसे चलिए इसे मेजर कर लीजिए, इसको मेजर कर लीजिए, कुछ डिस्टेंस ऐसे चलिए और इसे मेजर कर लीजिए, और फिर जहां पे आप यहां आ जाओ उससे इस टावर का एंगल मेजर कर लेना, ये एंगल मेजर हो जाता है। एंगल मेजर करने की डिवाइस होती है सेकंड, वो मशीन लगा लो यूं करके लगा लो, इसमें यहाँ पे टिका लेना उसको, मतलब एक दूरबीन की तरह ही होता है उसको, तो ये एंगल मेजर कर लेता है। अब सोचो आपने ये एक्स मेजर कर लिया, ये लेंथ आपने ये थीटा मेजर कर लिया, एक्स आपके पास है थीटा आपके पास है, तो बताइए एच मेजर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा यदि आप टेन थीटा लगाओगे तो। बताओ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच कितना हो गया, एक्स टेन थीटा। तो ये यानी एच पर इंची टेप लगाए बिना, एच पर इंची टेप लगाए बिना, ठीक है ना, एच पर इंची टेप लगाए बिना हमने एच मेजर करके दिखा दिया, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। और बहुत सस्ता तरीका बताता हूँ, पहले थर्मामीटर मुंह में घुसाया जाता था, यूं लगाया जाता था तब रीडिंग होती थी, आजकल तो केवल बंदूक की तरह निशाना दूर से ही रख देते टन इंफ्रारेड रेडिएशन से। सच का मेथड आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। होप कि आपको ये समझ में आया कि कोई भी चीज मेजर हो जाए कैसे भी, चाहे सीधे सीधे चाहे जुगाड़ से, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब चलिए एग्जाम्पल, यदि मैं कहता हूँ कुछ एग्जाम्पल बताओ फिजिकल क्वांटिटी के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लाइन से बोल दोगे। बताइए मास मेजर हो जाता है, हो जाता है, लेंथ मेजर हो जाती है, हो जाती है, स्पीड मेजर हो जाती है, हो जाती है, आपके स्पीडोमीटर ब्रुम 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 स्पीड, उसमें स्पीडोमीटर होता ही नहीं होता, आप जिस स्पीड से चल रहे होते वो स्पीड। टेम्परेचर मेजर हो जाता है ना, हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है,
ऑक्सीजन लेवल मेजर हो जाता है, हाँ उसको SpO2 बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मेजर हो जाता है, एरिया मेजर हो जाता है, हाँ एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर हो जाता है बेटा एरिया। डेंसिटी मेजर हो जाती है मेजर। यदि मैं आपसे कहूँ लिखो कितने एग्जाम्पल, तो बेटा इतने एग्जाम्पल है इतने कि इतने डॉट 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 एंड में आपको ETC ही लिखना पड़ेगा। इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं जो मेजर हो जाती हैं, और जो मेजर हो जाती है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटियों का कलेक्शन हो गया है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटियों का कलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब आपके पास सपोज करिए, अब एक और कहानी आगे, जब आपके पास सपोज करो कई सारे गानों का कलेक्शन हो जाए, कई सारे गाने हो, तो आप क्या करते हो उनकी एक लिस्ट बना लेते हो कि भजन वाले गाने एक लिस्ट में रख लेते हो, भजन है ना, रोने वाले गाने दिल गैर मासूम में बह गए वो अलग लिस्ट बना लेते हो आप, ठीक है, और थोड़े रॉकिंग डांस वाले ढिंचक ढिंचक है नहीं वो अलग क्या कहते बना लेते हो, ठीक है ना। ये चीज तो जब कई सारे गानों की लिस्ट होती है तो आप उसको कैटेगराइज कर लेते हो अपनी सुविधा के लिए। तो अब हमारे पास गानों की तो नहीं, फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी लिस्ट है, तो फिजिक्स ने एक जुगाड़ बनाई, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इन फिजिकल क्वांटिटियों को रैकिंग मतलब उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, कैटेगराइज फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डेफिनेशन अभी मिटा के चुका हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी इसको हमने तीन कैटेगरी बना दी, तीन लिस्ट बना ली, प्ले लिस्ट है ऐसे, ठीक है ना, ये मान के चलो। और उन तीन कैटेगरी का नाम है, एक है भजन, एक में ठीक है ना, एक में क्या डाल दें, क्या मतलब समझ गए आप, एक भजन हो गया, एक भांगड़ा डांस हो गया, और एक रोने वाले गाने हो गए, है ना, ऐसे मान लो। तो यहां नाम है, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और एक है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये तीन कैटेगरी होती है फिजिक्स में, तो यही तीन कैटेगरी होती है। गानों में तो कई सारी लिस्ट बना सकते हो आप, फिजिक्स में हमने इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी उनको कैटेगराइज कर दिया, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री और डेराइव्ड। पहले मैं फंडामेंटल और डेराइव्ड बताऊंगा, ये और ये इसको बाद में बताऊंगा सप्लीमेंट्री को। देखिए अब क्या जुगाड़ बनाई फिजिक्स ने वो ये कि यदि सपोज करो मैं बच्चे को दूध के बारे में समझा दूं, बुद्धि लगाना, यदि बच्चे को दूध के बारे में समझाया जाए, बेटा देखो ये दूध होता है, इसे पिया जाता है ना, चीनी मिला लो तो थोड़ा टेस्ट हो जाता है, बॉर्नविटा मिला लो तो ये हो जाता है, ठीक है। अब दूध के बारे में समझा दिया, दूध को अच्छे से पहचानवा दो उसको, कभी तो आपने दूध पहली बार लाइफ में देखा होगा, है ना, कभी तो दूध पहली बार जाना होगा, कि दूध के बारे में उसे नॉलेज दो। तो दूध हो गया फंडामेंटल, अभी बताऊंगा। अब दूध से बनने वाली चीज है दही, देखो आज तुमने दूध सिखा दिया, आज तुम दूध सिखा दो, कुछ दिनों बाद धीमे धीमे यदि बच्चा क्रिएटिव होगा तो दही अपने आप सीख जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कुछ दिनों बाद पनीर अपने आप सीख ही जाएगा वो, कुछ दिनों बाद खोआ सीख ही जाएगा वो, कुछ दिनों बाद घी धीमे धीमे सीख जाएगा। देखो भले ही घी डायरेक्टली दूध से नहीं निकलता, लेकिन प्रोसीजर दूध के थ्रू ही आता है, यदि इस दुनिया में दूध बंद कर दिया जाए तो घी नहीं बनेगा, दूध से दही, दही से ठीक है उसको एग्जैक्टली प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता, कुछ जमा के मक्खन सा भी निकालते हैं, एक मक्खन और आ गया लो। तो ये क्या चीज है फंडामेंटल, और ये क्या चीज है दूध से बनने वाले प्रोडक्ट यानी डेराइव्ड, दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम दूध। और भी बहुत सारी है, दूध से कितनी सारी मिठाइयां बनती है, खीर है, बर्फी है ना, ये सब। तो ये क्या हो गया फंडामेंटल, और ये हो गया डेराइव्ड, क्योंकि ये दूध से बने हैं, और दूध किससे बना है, दूध किसी से नहीं बना, दूध हो गया फंडामेंटल, समझ में आ गया, ये फंडामेंटल ये डेराइव्ड। तो ऐसे ही यहां कुछ फंडामेंटल दूध की तरह और यहां कुछ दही पनीर की तरह कुछ क्वांटिटीज होंगी, फंडामेंटल वो जो किसी से नहीं बनती। या एक और एग्जांपल देता हूं, मम्मी के किचन में एक मसालदानी होती है, और उसमें कुछ गिने चुने मसाले होते हैं, कुछ गिने चुने ही मसाले होते हैं मम्मी की, ठीक है ना, गिने चुने, लेकिन मजे की बात है उन्हीं मसालों का प्रयोग करके वो भिंडी बना लेती है, उन्हीं मसालों का प्रयोग करके वो टिंडे बना लेती है, उन्हीं मसालों का प्रयोग करके वो करेला बना लेती है, लौकी बना लेती है, तोरी बना लेती है, दाल फ्राई बना लेती है,
बना लेती कि नहीं बना लेती, तो मसाले हो गए फंडामेंटल और उनसे बनने वाली रेसिपी हो गई डेराइव्ड। इस एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करो कि मसाले तो हो गए फंडामेंटल, मसाले फंडामेंटल हो गए, उससे बनने वाली जो रेसिपीज होगी वो डेराइव्ड हो गई। एक और एग्जांपल देता हूँ, अब एक और चीज और लास्ट एग्जांपल देता हूँ एक और। हमारी इंग्लिश में 26 करेक्टर है, 26 लेटर है ना, लेकिन उन 26 में से 5 ए ई आई ओ यू अलग कर दिए, कर दिए नहीं कर दिए, एक वॉवेल से कॉन्सोनेंट ऐसे बना दिया है, ए ई आई ओ यू हर जगह घुस जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई घुसा हुआ ही मिलेगा। कप तो यू घुसा हुआ है, एप्पल तो ए और ई घुसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये वॉवेल्स घुसे हुए रहते हैं। समझ में आ गया? तो बिना वॉवेल्स के इंग्लिश में वर्ड डराइव नहीं होते। समझ में आ गया? तो ए ई आई ओ यू, मैं तुषार कपूर नहीं बोल रहा हूँ, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये तुषार कपूर ठीक है। लेकिन हाँ अच्छा अब आ जाइए, तो वैसे ही हमारी फिजिक्स में 7 मसाले हैं, ये 7 मसाले, थ्री फिजिक्स में 7 मसाले हैं, 3, 4, 5, 6, 7। यदि हम अलमारी या इस प्लेलिस्ट में केवल 7 गाने हैं, इस प्लेलिस्ट में मात्र 7 गाने हैं, ऐसे समझिए, यह 7 मसाले, इन 7 को घमंड है अपने ऊपर। क्या घमंड है? कि हमको पर डाला तो ये सारी झिंगा लाला, ये कह रहे हैं कि हम वो 7 मसाले हैं, हम वो मसाले हैं जिनसे सारी रेसिपी बनेंगी, आपको फिजिक्स की सारी रेसिपी बनने को देखने को मिलेंगी, इनको घमंड है। तो घमंड तो यार जायज है इनका, हमको पर डाला तो बाकी की सारी क्वांटिटी झिंगा लाला। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक है मास, एक है लेंथ, मास लेंथ, एक है टाइम टेम्परेचर, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ये तो 5 आपने कहीं ना कहीं सुनी है ना, ये कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तो ये तो सुनी सुनी लग रही है। अब जो मैं बोलूँगा वो सुनी सुनी लगेगी अब आपको, बिल्कुल सुनी, ठीक है। एक है अगली ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी में हम लाइट को मेजर करते हैं, जैसे सोन पपड़ी ज़्यादा दे दे कम दे दे वजन, वो पत्थर हल्का है या भारी है, उसकी बजाय हम मास मेजरमेंट करते हैं, तो रोशनी कम है या ज़्यादा है उसकी बजाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, कि यहाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इतनी है। यदि मैं इस कमरे में लाइट बंद कर दूँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम हो गई, कम हो गई, बिल्कुल ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी जीरो हो गई। समझ में आ गया? जीरो बढ़ गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करती है, लाइट की इंटेंसिटी को। ये आप पहली बार शायद सुना होगा, मैच वैच में बड़ा यूज होता है बेटा, क्योंकि कोई प्लेयर ये कह दे यार बड़ा अंधेरा हो रहा है मैच बंद करो, प्लेयर भी शिकायत कर देते हैं अंधेरा होता है। तो ऐसा नहीं कि प्लेयर ने कह दिया कि पिच पर या ग्राउंड पर रोशनी कम है तो उसकी सुन लेंगे, बकायदा रेफरी उस मैदान में जाके लाइटोमीटर होता है, लाइट से कंफर्म करता है, लाइटोमीटर वो मेजर करता है उससे कि लाइट बाकी कम है या नहीं, ठीक है, मेजर होती है लाइट की इंटेंसिटी। और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये 7 मसाले हैं जिनको ये घमंड है हमको पर डाला तो सारी रेसिपी झिंगा लाला। चलिए कैसे झिंगा लाला बताता हूं, देखिए एक एग्जांपल बताता हूं यहां पर। जैसे सपोज करो मैंने लिखा स्पीड, स्पीड, तो स्पीड नाम की सब्जी बनाने के लिए आपको लेंथ ये चाहिए होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले तो बेटा जब भी आप कोई सब्जी बनाते हो उसकी रेसिपी आपको पता होनी चाहिए तब बनेगी, केवल मसालों से नहीं बनती, आपको पता होना चाहिए वो प्रोसीजर क्या है। तो स्पीड नाम का प्रोसीजर है, स्पीड नाम की रेसिपी बनानी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखो स्पीड नाम की सब्जी बनाने के लिए डिस्टेंस और टाइम का तड़का लगेगा, तो डिस्टेंस मसाला है इसमें, ढूंढो ढूंढो, हाँ ये रहा वो मसाला, टाइम नाम का मसाला है टाइम। तो देखा स्पीड नाम की सब्जी बनाने के लिए आपको लेंथ और टाइम नाम के दो मसाले जरूरत पड़ेगी, लेंथ और टाइम यहाँ है ना, दिस इज फंडामेंटल और दिस इज डेराइव्ड। एक और लेते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने लिया एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, अभी सस्ते एग्जांपल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ तो इसमें है, ब्रेथ है, साला नाम बदल के आया है वो ब्रेथ है तो वो भी लेंथ ना, तो यानी एरिया में लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ नाम का मसाला दो बार इस्तेमाल हो गया है यहाँ पे,
एक तरीके से लेन देन टू लेन हो रहा है। अरे कुछ लोग, आप नहीं जाते रेस्टोरेंट में, नमक की डिब्बी अलग से पड़ी रहती है जब खाना खाते हो। ऐसा नहीं कि उनके किचन में से नमक डल के नहीं आया, कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, ऊपर से डाल लेते हैं, ये लेंथ ज़्यादा खाता है। तो ये कैसी हो गई एरिया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही बेटा मैं यदि लेता हूँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी डेराइव्ड हो गई क्योंकि उसमें लेंथ नाम का एल बी एच। चौथी फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी नाम की सब्जी बनानी है तो ये रेसिपी लगती है, ये मेथड होता है रेसिपी का, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप बताओ मास यहाँ पर है? है। वॉल्यूम है यहाँ पे? यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वॉल्यूम यहाँ तो है। एक मिनट सुनना, जब आपको पनीर बटर मसाला बनाना होता है तो पहले ग्रेवी बनाते हो, वो ग्रेवी देखो, ग्रेवी बनती है पनीर बटर मसाला में, उसके ऊपर पनीर डाल देते हैं, बस इतना ही होता है। लेकिन ग्रेवी तो फंडामेंटल सी बनती है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। भले ही वॉल्यूम यहाँ नहीं है पर यहाँ तो है, यहाँ तो है वॉल्यूम, समझ में आ गया ये? तो यानी डेंसिटी भी क्या चीज़ है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। होप कि आपको मेरे अभी इतने एग्जाम्पल से कहानी समझ में आई कि फंडामेंटल किसे बोलना है। फंडामेंटल तो इन्हीं सातों को बोलना है, इन्हीं सातों को, ठीक है ना? क्या कहते हैं, ये इज्जत मिली है कि तुम फंडामेंटल हो। अब आते हैं पेपर में लिखना क्या है, पेपर में लिखना क्या है, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं लिख सकते ना दूध दूध जो होगा वो फंडामेंटल होगा, पेपर में तो ये नहीं लिख सकते ना, या मम्मी की मसालदानी को फंडामेंटल बोलते हैं, एक प्रॉपर लैंग्वेज भी तो होगी। देखिए, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर्स। ये वो क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। मुझे पता है डेफिनेशन ऊपर से गई, नहीं आई समझ में, मैं समझाऊंगा, लेकिन ये समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डेराइव्ड फ्रॉम दीज फंडामेंटल्स। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, या दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज Which depends on fundamental। ये तो समझ में आ गई होगी ना कि ये fundamental पे depend करती है। चलिए समझाता हूँ depend माने क्या होता है। जैसे suppose करो किसी घर में किसी unfortunately किसी की death हो जाए, तो उस घर में जो उसके उस पर जो depend होंगे वो रोएंगे नहीं रोएंगे, रोएंगे कि नहीं? यदि किसी पे कोई चीज़, मान लो एक कमाने वाला बंदा यदि किसी उसकी death हो जाए तो उसके घर के सदस्य रोएंगे नहीं रोएंगे? तो अब ऐसे ही समझाता हूँ कि ये इन पर डिपेंड करती हैं। जैसे सपोज करो मैंने लेंथ को गोली मार दी, लेंथ को डिचके हो, लेंथ मर गया, राम नाम सत्यो की लेंथ की, यानी सपोज करो लेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी इस दुनिया से उठ जाए, तो जैसे लेंथ मरेगा ना स्पीड रो रही होगी, लेंथ स्पीड रो रही होगी। पता है क्यों रो रही होगी? क्योंकि यदि लेंथ मर गया तो स्पीड का फॉर्मूला कैसे पढ़ा जाएगा? अब कैसे होगा, मेरा फॉर्मूला कैसे पढ़ा जाएगा? सुनना, यदि लेंथ को गोली मार दी तो स्पीड रो रही होगी, क्योंकि लेंथ यदि इस दुनिया से चला जाए, फिजिक्स से चला जाए, तो डिस्टेंस जब यहां हो गई नहीं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आप ऐसे पढ़ लोगे? स्पीड इक्वल टू ए अपॉन टाइम। ए इस दुनिया में है नहीं, एरिया रो रहा होगा, एरिया रो रहा होगा क्योंकि लेंथ तो इस दुनिया में है ही नहीं, वॉल्यूम रो रहा होगा, डेंसिटी, एक्चुअली लेंथ पे जो जो डिपेंड होगा वो सब रो रहे होंगे। तो दीज आर दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन, अभी मैंने सिर्फ लेंथ पे डिपेंड होने वाले दिखाए हैं, ठीक है? लेकिन यदि मैंने लेंथ को गोली मार दी तो मास नहीं रो रहा होगा, टाइम नहीं रो रहा होगा। उधर कहीं जंग चल रही है वहां कई लोग मर जाते हैं तो हम कोई रोते थोड़ी नहीं है, ठीक है, इमोशंस आते हैं पर रोते नहीं है। तो लेंथ के मर जाने से मास टाइम टेम्परेचर, ये साफ कहते हैं, तेरा जाने से हमारी दुनिया नहीं बदलने वाली, हम तो अभी भी इन। तभी इसकी डेफिनेशन क्या थी? दीज आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर। दुनिया में कोई भी मर जाए, मास जिंदा रहेगा तो मास अपना काम, मास खुद ही मर जाए तो मास नहीं मेजर होगा, लेकिन बाकी कोई भी मर जाए, ठीक है, मास मेजर होगा। अब आ जाइए, तो ये हो गए फंडामेंटल डेराइव्ड, मैंने ऑफिशियल डेफिनेशन भी लिख दी, बता दी, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन दीज। चलो ये इस पर डिपेंड करती। एक और चीज आप ऐसे समझा सकते हो, समझ सकते हो कि ये वो है जिनके मम्मी पापा ये हैं, ये मम्मी पापा यानी के ये वो हैं जिनकी औलादें यहाँ डोल रही हैं, इस कैटेगरी में डोल रही हैं, इनकी औलादें हैं, ये बहुत सारी औलादें हैं, ये कुछ नहीं करते, बच्चे ही करते रहते हैं ये,
समझ में आ गया, इनका काम कुछ नहीं है, ये बच्चे ही करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बच्चे करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके मम्मी पापा नहीं है, मतलब ये ऐसे ही आ गए, टपके हैं ये ऊपर से, ठीक है, सीधे। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, इनकी सिर्फ औलाद है। अब आते हैं ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये वो कैटेगरी सप्लीमेंट्री, ये वो कैटेगरी है, ये इसमें सिर्फ दो आते हैं, मतलब इस प्ले लिस्ट में या इस कैटेगरी में सिर्फ दो फिजिकल क्वांटिटी है। एक है प्लेन एंगल थीटा और एक है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सिर्फ ये दो कैटेगरी आती है सप्लीमेंट्री में, सिर्फ ये दो। लेकिन इनका मतलब ये अलग कैटेगरी किस चीज की है बेटा, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है नरेंद्र मोदी टाइप की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब ये वो मसाले हैं जो किसी सब्जी में पड़ते ही नहीं है, ये वो मसाले हैं जो किसी सब्जी में पड़ते ही नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है, आप ऐसे समझ लो समझाने के लिए। या ऐसे समझो जैसे ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके मम्मी पापा नहीं है, इनकी औलादें हैं यहाँ पे, है ना, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके मम्मी पापा भी नहीं है और औलाद भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है और औलाद भी नहीं है, ठीक है ना। या फिर एक मिनट एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए ले गया हॉस्पिटल में और नर्स से बोलता है, मैम यदि लड़का हो तो कह देना पास हुआ हूँ मैं, लड़की हो तो कह देना फेल हुआ हूँ, है ना। नर्स से बोल देता है कि यदि लड़का हो तो मुझे बोल देना कोर्ट में पास हुआ हूँ, लड़की हो तो कोर्ट में बोल देना फेल हुआ हूँ, ठीक है। अंदर गई डिलीवरी हुई तो नर्स बाहर आके पता है क्या बोलती है, मुबारक हो आपके सप्लीमेंट्री हुई है, सप्लीमेंट्री आई है, कंपार्टमेंट आई है, सप्लीमेंट्री आई है, समझना। यानी ये है नहीं, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी, तो यानी सात ये, दो ये, इसके अलावा जितना भी अटरम झटरम डेड डेज लहसुन जो भी है वो सब इसमें आता है। यानी सबसे बड़ी जो प्ले लिस्ट है आपकी वो ये है। तो अभी बस इतना रिवाइज करवाता हूँ, इतनी, बाकी बातें अगले अगले पोर्शन में।